एक था दीपू, एक थी चुन्नी, एक था पप्पू, एक थी मुन्नी। ये सारे बच्चे स्कूल जाते और खूब मन लगाकर पढ़ते थे। पर इन सब के बीच एक था राजू। इधर कुछ समय से राजू का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। कभी कभी वो पेट दर्द का बहाना करके स्कूल से गुठली भी मारने लगा था। इसकी वजह हमें तब समझ आई जब हमने राजू और राजू जैसे अन्य बच्चों के बारे में थोड़ा गहराई से स्टडी किया। हमने पाया कि कुछ बच्चे बड़ी कक्षा में पहुंच तो जाते हैं, पर उनकी समझ शक्ति उम्र के साथ बड़ी हुई नहीं होती है, जिस वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। पर राजू जैसे बच्चों को सामान्य लेवल पर लाने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है STCI द्वारा चलाए जा रहे स्टडी सेंटर्स पतंग में। यहाँ पढ़ाई होती है कक्षा के ऐसे वातावरण में जो बच्चों से उनकी भाषा में बात करता है। यहाँ जोर पढ़ने से ज्यादा सीखने पर है। चिड़िया रानी बड़ी सयानी यहाँ गणित सिखाने आती है। मोर की लेकर मदद कहानी आगे को बढ़ाती है। यहाँ मुर्गा कहता इन अंकों को जोड़ जोड़ कर और बढ़ाओ। तोता कहता कार्ड उठाओ, अंक घटाओ, मुझे दिखाओ। ध्यान से तुम सब करना बच्चों, कठफोड़ा जी आएंगे, तुमने कितना सीखा कौवे राजा को बतलाएंगे। पैसे मोल भाव और नाप तोल के बारे में बत्तख जी को ज्ञान बड़ा है, आकर वो बतलाएंगे। बगुला आता, किलकिल आती, हमिंग बर्ड भी आती है, बच्चों को आसानी से वो उनका पाठ पढ़ाती है। यहाँ कार्ड्स, लैडर्स और माइलस्टोन के जरिए बच्चों से ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है कि वे अपने विषय को सिर्फ याद करने के बजाय अच्छे से समझने लगते हैं। जो बच्चा हर रोज यहाँ आता है वो एक साल में ही 2 लैडर्स पूरे कर लेता है। और इस तरह आसानी से हम बच्चों को गणित और भाषा, इन 2 विषयों से परिचित कराते हैं। यही तो वे 2 विषय हैं जिनमें अगर वे मजबूत हो गए तो आगे चलकर हर विषय समझ सकेंगे। वे न सिर्फ सामान्य लेवल पर आ जाते हैं बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बहुत अच्छे से उभर जाता है। एक और बहुत ही सुंदर सा असर जो राजू और इन सभी बच्चों पर साफ नजर आ रहा है वो ये है कि इन बच्चों को अब प्यार हो रहा है अपनी पढ़ाई से। पतंग, सेव द चिल्ड्रन इंडिया।